कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सांस की नली के निचले हिस्से में फंगस का संक्रमण फैल गया है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सोनिया गांधी का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने उनके अन्य पोस्ट कोविड लक्षण का इलाज कर रहे थे। उनके स्वास्थ्य और इलाज पर डॉक्टर नजदीकी से नजर रख रहे हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद सोनिया गांधी को 12 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के निचले हिस्से में फंगस संक्रमण का भी पता चला था। वर्तमान में उसका इलाज अन्य पोस्ट कोविड लक्षणों के साथ किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। 2 जून को उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 जून को सोनिया गांधी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से हल्का बुखार आने के बाद उनकी जांच कराई गई। इसके बाद ही सोनिया गांधी 12 जून तक अपने घर में ही आइसोलेशन में रही। घर पर ही उनका इलाज चला। वह रिकवर कर रही थी। इसी दौरान परेशानी बढ़ने पर 12 जून को उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेश होने के लिए समन भेजा था। कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्हें 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नया समन जारी किया गया। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी के अधिकारियों ने 3 दिन में करीब 30 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की है। वहीं ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।